अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को हुए एक बड़े आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 20 जवान शहीद हो गए हैं। हमला इतना भयंकर था कि सीआरपीएफ के काफिले में शामिल कई गाड़ियों के पर खच्चे उड़ गए। कई जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले के बाद उमर अब्दुल्ला और बीटीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने गहरा दुख जताया है। इस हमले के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, घाटी से बेहद भयानक खबर आ रहा है। एक आईटी ब्लास्ट में कई सीआरपीएफ जवानों के मारे जाने की खबर है। मैं इस हमले की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। घायलों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और शोकाकुल परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ। उमर अब्दुल्ला ने एक और ट्वीट में लिखा, जैश ने इस फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है। यह 2004-2005 के आतंक के दिनों की याद दिलाते हैं। पढ़ें, कश्मीर में सीआरपीएफ काफिले पर बड़ा हमला, 18 जवान शहीद। पूर्व मुख्यमंत्री और बीटीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी घटना की निंदा करते हुए ट्वीट किया, विंतीपुरा से दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रहा है। हमारे 12 जवान शहीद हुए हैं और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऐसे विभत्स हमले की निंदा करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। आखिर कितनी जाने लेकर यह पागलपन खत्म होगा? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा, सीआरपीएफ काफिले पर हुए इस कायराना हमले से बहुत व्यथित हूँ। हमले में 10 जवान शहीद हो गए हैं और कई जवान घायल हो गए हैं। शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी सहानुभूति है। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। जैश ने ली हमले की जिम्मेदारी। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि आदिल अहमद डार नाम के आतंकी ने इस काफिले पर हमले की साजिश रची थी। आदिल पुलवामा के काकाबोरा इलाके का रहने वाला है। सीआरपीएफ की 54वीं बटालियन के जवानों को इस हमले में आतंकियों ने निशाना बनाया। हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ के अनुसार गुरुवार शाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों पर अवंतीपुरा के करीपुरा के पास हमला किया गया।